जल्दी शादी करनी चाहिए कि नहीं। मज़े की बात है, हम इस ज़माने में आ गए हैं जहाँ पे लोग अब कह रहे हैं कि यार मैंने भी जो शादी की ना वो जल्दी की, हालांकि आई गॉट मैरिड एट 25। वैसे भी आई थिंक कहा जाता है जब भी आप शादी कर लो औरत के हिस्से का वैसे वो अपने साथ ही लेके आती है। ये जेन्युइन बात है। बट सिंस आई गॉट मैरिड टू फिजा मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खुशियाँ ही आई हैं। एक सेकंड बॉयज एंड गर्ल्स, अब बैटरी चार्ज हो गई। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर रमजान व्लॉग। कल रात को मैं बहुत सैड हो गया था, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो मेरा देखें माइक था ना, जिसकी अभी तक मैंने बात नहीं की थी लेकिन फोन पे लगाया हुआ था, ये मेरा ना यार कल रात को गिर गया था मैं रिकॉर्ड करते हुए। बॉयज एंड गर्ल्स चीजें गिरती रहती हैं यार, क्योंकि आप ऑलवेज ऑन द गो थे। मैंने कहा कि गिरा यार, पता नहीं क्या हुआ होगा, ये लगाया वापस तो फिर उसके बाद ही कभी यू नो एक दफा सोया, उसके बाद कभी उठा ही नहीं। तो सैडली अब इस माइक को मैं यूज नहीं कर सकता, आपको वो ASMR जो मजे का आता था ना वो इस माइक के बदौलत आता था। खैर अब मैं कोशिश करता हूँ दोबारा आपको लगाने की रोजा, लेकिन लग नहीं लगे वो मजा नहीं आएगा। शर्म कर, लेकिन टेंशन ले बॉयज एंड गर्ल्स, 23rd या 24th मार्च तक सेफ है। उसके बाद HD क्वालिटी में दोबारा मेरा माइक मैंने दोबारा मंगवाया, डिस्कंटिन्यू हो गया, eBay से मंगवाया मैंने। 25 मार्च तक दोबारा आपको अच्छी क्वालिटी में ASMR कराऊंगा मैं। आज के ब्लॉग का सीन ये है कि हमने कवर करना है, क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि शादी हमें जल्दी करनी चाहिए कि नहीं। एक का तो सीन भी चलने वाला है पूरा, दूसरा मुझे कह रहा है मूसा भाई सीधा ही कजन से शादी करनी है, बताओ क्या करूं मैं भाई, कर ले कजन से शादी, बह गए तुझे बताओ। हम लोग अपने कजन से भागते थे, मैं तो भाग गया पूरी जिंदगी। तो बाकी इसकी तो स्टोरी है फिजा की, बताएगी आपको, बता दे कजन देख रहे हो फिजा का लानती। अब सबकी कजने इतनी अच्छी होती नहीं है, आई मीन मेरी कजने बुरी तो नहीं थी वैसे, आपस की बात है, दे वर गुड लुकिंग बट सम ऑफ देम। द थिंग इज दैट यार मेरा पर्सनली कभी कजनों में करने को हुआ नहीं, क्योंकि बहनों जैसी होती है, बंदा बड़ा होता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे एज अ सिस्टर ब्रदर कंसिडर किया जाता है कजन्स को। आप किसी को बताओगे ना मैंने अपनी कजन से शादी की है, गाना गाते हैं स्वीट होम अलबामा, ये तो तुम्हारी बहन है। अमेरिकन सब वगैरह तो स्टेप सिस्टर वाले उल्टी सीधी फिल्में देखते हैं, स्टेप सिस्टर स्टेप मदर, और इनको बता दो कजन से शादी कर दी, कहते हैं इनका तो ओपिनियन मैटर नहीं करता। अगर आपको कजन और आपका सीन अच्छा चल रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर मतलब फीलिंग्स म्यूचुअल है, आई डोंट थिंक इस चीज को फोर्स करना चाहिए। अगर दोनों का दिल नहीं है तो फिर ये फोर्स करके जो शादियां करा देते हैं क्या करना है यार। यू नो व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स, एक सेकंड बस छोटी सी इफ्तारी कर लें, फिर उसके बाद वो मेन कोर्स आपको वो दिखाते हैं, इसके बाद ये पूरी बात कंटिन्यू करते हैं तसल्ली से बैठ के। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि नमाज हमने पढ़ ली थी, ठीक है अब हम रेडी हो गए मेन कोर्स के लिए। वैसे मुझे थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास है यहाँ पे कोफ्ते, चिकन कोफ्ते और साथ ग्रेवी है, देख के अब ये हो रहा है। हमारे पास कॉलीफ्लावर राइस है और हमारे पास हमारा डियर मीट पड़ा हुआ है थोड़ा पुराना। ऐसे किसी ने कमेंट किया था पुराना ही खाते रहते हो खाना, इससे पूछो ना बात सही है, पुराना ही खाना खाते रहते हो, जाएगा तो नहीं आएगा है? ये पॉलिसी कब लिखी, कहाँ पे लिखी हुई है हमारे घर पे? भाई सीन ये कि इतना भी पुराना नहीं बनता, लेकिन घर में खाना इतना हमारे जमा हो गया था, इतना जमा हो गया था कि मैंने इसको खुद कहा था यार जब तक ये पुराना खाना नहीं खत्म होगा नया नहीं बनाएंगे, भाई क्या हो गया, अब ये खाना क्या फेंकना था सारा उठा के। पाकिस्तान में तो ना काम वालों को दे देते हैं, देने वाले लोग ना किसको दें, कोई ले गए ही नहीं, टेक्निकली दे सकते हैं, हमारे पड़ोस की दोस्त नहीं है। इनफैक्ट आई हेट माई पड़ोसी, ऊपर वाला है, वो मैं खाना उसको मैं बदवाए दूँ, डांस करता रहता सारी रात ऊपर, ठीक है उसके कुत्ते भी डांस करते हैं उसके साथ, रात को खराटे मार के सोता है और खराटो तक की नीचे आवाज आ रही होती, कितने जोर के मारता होगा बेस लगा। वीडियो का टॉपिक इसमें बात करते हैं थोड़ा सा फूड रिव्यू RHS स्टाइल में, तो मैं ये खाने लगा हूँ। कुछ तो बोलो, बहुत मजे का तुमने बनाया यार, ये तो लग रहा है कोई K&N वालों के कोफ्ते, बाकी तो उनके नहीं है, अच्छा खुद बनाए, इतने मजे के बॉयज एंड गर्ल्स कोफ्ते बनाए फिजा ने खुद ही, ये देखो ये धुएं उठ रहे हैं अंदर से। अब काश मैं तुम्हें वो वाला लेवल का ASMR कर पाता, लेकिन बैगर्स कांट बी चूजर्स, इतनी कैलोरीज इस मील में भी नहीं है, बस 5 कोफ्ते हैं, 5 और खाऊंगा। इनकी पिंकी पोकी, नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बस ये 5 कोफ्ते, थोड़े से कॉलीफ्लावर राइस है, थोड़ा सा डियर मीट है, ज्यादा कुछ नहीं, फिर सीधा हम सैरी में ही खाता हूँ मैं। बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स ये जल्दी से मैं खा के फारिग होता हूँ, फिर हम बात शुरू करते हैं, एक्चुअली दूसरे कैमरे में बात करता हूँ। सो तो बॉयज एंड गर्ल्स अब सीन ये है कि हम बात करते हैं शादी के बारे में, ठीक है मेरी दूसरी शादी के बारे में नहीं मैंने वही कहा है, देखिए आप लोगों की पहली शादी के बारे में, ठीक है एक सेकंड, अभी अभी आपका रोजा तो चल रहा है ना, ये देखो जरा एनर्जी ड्रिंक है, टेंशन ना लो।
पहले तो हम कजन मैरिज की बात करते हैं। देखो कजन मैरिज में होता है कि बचपन से आप भाई भाई होते हो एक दूसरे के, फिर बाद में चारपाई करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अभी भी हो रहा है, मतलब हर मतलब तुम्हारे खानदान में कितनी कजन मैरिजेस आई हैं? मोस्टली हमारी फैमिली में तो करते भी नहीं था, तुम्हारे करते नहीं थे ना आउट ऑफ फैमिली? हमारी पठान वाली फैमिली करती भी नहीं थी। इट्स बीन लाइक व्हाट 6 इयर्स कि वो लोग फाइन हुए थे आउट ऑफ फैमिली शादी करके। 6 इयर्स नहीं, उन्होंने मेरे जैसा फाइन एस मैन देखा था, फिर उन्होंने कजन मैरिजेस पहले होती थी ना फिजा की तरफ, तो उसके भी बचपन से कुंडली जोड़ी हुई थी कुछ लोगों के साथ, लेकिन बड़े होके वो ओगर बन गए, पहले ओगर से फिर ट्रू ओगर बन गए, तो हाँ ये भी होता मसला होता है। फिर फिजा ने मेरे जैसा बंदा देखा इंस्टाग्राम पे, उसने कहा ओ माई गॉड ये तो जिन कजामा है। तो फिर मैं उसको नजर आया, इसकी जुल्फे उड़ने लग गई, ठीक है, चांद बड़ा बड़ा दिखने लगा। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, जोक्स अपार्ट, बस एक खानदान में इसकी भी होने वाली थी शादी, लेकिन होता ही है कि कभी कभी आपका डिसीजन नहीं होता यू नो इन शादियों का। पाकिस्तान में मुझसे होता है कि माँ बाप ना पहले ही बचपन में ही तय कर देते हैं, अच्छा ये बड़े होके हम इसकी शादियां करा देंगे, गुड्डा गुड्डी का खेल उन्होंने बनाया होता है। तो बचपन से ही लड़की का भी तय हो गया, लड़के का भी तय हो गया, बड़े होके उनको कोई और पसंद आना शुरू हो जाती है, लेकिन माँ बाप फिर वो डंडा लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। शादी मतलब के कोई कजन की क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है बस तूने करनी है। अब आई मीन मैं दोनों तरफ बात करूँ, ये लड़के बुरा ना समझे, लड़कियों की भी भाई लड़कियां भी झल्ली होती हैं कुछ, ठीक है, कहेंगे इसके साथ शादी कर लो, यू नो इस तरह की भी कुछ होती है। अब हम ये शिट नहीं कर रहे कजन मैरिज पे, एक्चुअली कुछ बहुत अच्छी चल भी जाती है। आरएचएस ने कजन मैरिज नहीं की, लेकिन सैड बात है कि हर किसी की कजन वैसी नहीं होती, लेकिन बात करना चाह रहे हैं उसको कजन पसंद है, उसने कजन से शादी, हाँ हो हाँ तूने कजन से शादी, यार उसने बहुत वेग बात की थी, लेकिन अब मुझे उसका मैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहा था कि मैंने ना कजन से शादी करनी है, अरे दिखाना मेरा फोन वो पड़ा हुआ है, कोई टिप दो कजन से मेरी करनी है। एनीवेज वो मामू की बेटी है, मूसा भाई क्या करूं मैं यार, खैर नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ अभी ना, आई एम कवरिंग योर क्वेश्चन इन अ वीडियो राइट नाउ। अच्छा वो कह रहे कजन को डाउन किस तरह करूं मैं भी, अच्छा कजनों को डाउन करना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, अजीब सी बात है लेकिन मेरी सारी कजनें मुझे पसंद करती थी हमेशा से ना, मैं आंखों का तारा होता था उनकी ना, क्योंकि थोड़ा सा हमेशा से आउटगोइंग था, लेकिन उसमें ये भी था कि मेरी फैमिली भी स्ट्रांग थी, जो कि सीधी सी बात है, माय डैड वाज लाइक द स्ट्रांगेस्ट फिगर इन द फैमिली, फाइनेंशियली भी बहुत वेल ऑफ थे, और मतलब थोड़े मेरे अबू के वो पे एक नेटवर्क और बड़ा वो जान पहचान वाले भी थे और बड़े बदमाश भी थे। खैर तो जहाँ पे जाते थे ना थोड़ा सा मतलब सारे अच्छा ट्रीट करते थे। देखो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कजन बहुत प्यारे, बहुत सारे मैं बहुत इंजॉय करता था अपने कजन के साथ ना। आई डोंट नो इफ आई कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस, बट हियर्स व्हाट आई कैन से, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि पेरेंट्स से बात कर लो उनके कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ताकि फिर उसका कोई से ना उसके अंदर वो पकड़ के शादी करा दें। ये तुम्हारी है ऑप्शन अगर तुम बहुत ही गए गुजरे हो, ठीक है, मतलब कि नहीं लुक्स में भी डिपार्टमेंट में ऑफ जा रहे हो, पैसे भी नहीं बना रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन देखो मेरी बात सुना, एट द एंड पे तुम पे भी आएगा कि तुमने उस लड़की की जिंदगी खराब की, तो कुछ बन जाओ पहले, कुछ थोड़ा कमा लो। मैं तो कहूंगी सबसे अच्छा तरीका है कि हाँ इफ यू रियली लाइक हर और सीरियस हो तो जाके रिश्ता ले जाओ, रिश्ता ले जाओ, हाँ अपनी माँ को उठा के ले जाओ। हाँ ऑब्वियसली आपके मामू की बेटी है तो बात यही है कि फैमिली की तरफ रखो, और वैसे भी ये कजनों के साथ इश्क मशूकी बहुत बुरा प्लान है। ना करो इश्क मशूकी, ना करो बस सीधी शादी कर लो अच्छी, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग सीन रहता है। थोड़ा अपनी ना कोई कमाई शमाई कोई जॉब वगैरह का सीन कर लो, खानदान में ना ये चीज देखी जाती है कि लड़के के अंदर ड्राइव है, लड़का काम करने वाला, तो फिर वो कर भी देते हैं। अगर वो तुम्हें नहीं दे रहे ना इसका मतलब है कि कोई ना कोई सीन ऑफ है तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर में। अब आई नो मे बी यूर इन अफ्लुएंट, मुझे नहीं पता, अभी मुझे कोई तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पता। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी शादी करनी चाहिए कि नहीं। मजे की बात है हम इस जमाने में आ गए हैं जहाँ पे लोग अब कह रहे हैं कि यार मैंने भी जो शादी की ना वो जल्दी की, हालांकि आई गॉट मैरिड एट 25 वाज द आइडियल प्राइम एज, मतलब जब बच्चा 23-22 का होता था कहते हैं मुंडे दी शादी करा दो। मैंने अपनी फैमिली में बहुत लेट शादी की, इसने इसका उल्टा था, इसने लेट शादी की, तुम थे 23 जब तुमने किया, राइट। लड़कियों को मैं अगर कहूंगा, ये मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, बात सुन लो मेरी आज, बहुत इंपॉर्टेंट, करियर अगर तुमने अपना करना है तो कर लो, कोई मसला नहीं है, करियर साथ साथ लेके भी चल सकते हो, लेकिन कि डेटिंग शेटिंग में और ये इन बॉयज़ के पीछे ना जाओ जो बॉयज़ का कोई ड्राइव नहीं है, कोई उनका करियर आगे का प्लान नहीं है, लूजर चल रहे हैं, ठीक है, थोड़े से कोई म्यूजिशियन है, कोई इधर है, कोई वो है, कोई एचिसन का बॉय है, आवारा फिर रहा है, ना इनके पीछे जाओ, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तुम्हें हर्ट करेगा, स्पेशली देसी लड़कियों के लिए। अगर तुम्हें कोई लड़का जेन्युइनली पसंद है तो माँ बाप से बात कर लो कि मुझे लड़का पसंद है, आप मुझे शादियों को कहते हैं ना तो इस लड़के का देख लें पहले, लड़के से कंफर्म करके, ये ना ऑब्वियसली, हाँ अब ये अपनी फैमिली से बात कर लो, बाद में भाग जाए, लड़का भाग जाए। कल को इफ आई हैड अ डॉटर और वो मुझे आके कहती कि आई वुड रादर हैव हर कि मुझे आके बताए कि मुझे कोई लड़का पसंद है और मैं कहूँ अच्छा ठीक है मिल लेते हैं उस लड़के से, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको बुलाऊंगा डिनर पे वगैरह बात करेंगे, आई वुड रादर हैव दैट देन जस्ट हर डेटिंग अराउंड विद लूजर्स, यू नो आई एम सेइंग। तो वो एक चीज़ है लड़कों के लिए, यार मैं
मैं कहूंगा कि यार थोड़ा सा एक पॉइंट वहां रीच कर लो जहां पे तुम्हारी थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ जाए, मैच्योरिटी एज इन थोड़ा दुनिया को समझ लो। लेकिन एक और उसमें मसला ये आ जाता है कि लड़के थोड़े से उल्टी सीधे कामों में लग जाते हैं ना, ये खैर मैं वाइफ के सामने नहीं बात करना चाह रहा, बट समझ जाओ तुम मिस्टर सेंस, उन कामों में पड़ जाते तो हाँ उसके लिए शादी अच्छी है। एक बात है जो मैं देखता हूँ कि जो कि बहुत होता है, जितना अमीर खानदान होता है ना वो अपने बच्चों की शादी इतनी जल्दी कराता है, जितने गरीब मिडिल क्लास होते हैं उनमें बच्चों की शादी लेट कराते हैं। बट मैं कहूँगा चाहे गरीब खानदान भी हो यार, अगर लड़का कह रहा है कि उसकी शादी करा दो, उसको लड़की पसंद आ गई तो करा देनी चाहिए। वैसे भी आई थिंक कहा जाता है जब भी आप शादी कर लो औरत के हिस्से का वैसे वो अपने साथ ही लेके आती है, ये जेन्युइन बात है। आई स्वेयर टू गॉड लाइक आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, एवर सिंस आई गॉट मैरिड टू फिजा मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खुशियाँ ही आई हैं। अब ये हो सकता है कि हाँ बीच में सैड मोमेंट्स हो गए, कुछ हो गया, कोई मसला हो गया, लेकिन देखो ये लाइफ का हिस्सा है, जो स्ट्रगल है ना। And obviously आप मैच्योर नहीं होते अगर आप जल्दी शादी भी कर लो। एक चीज जिसकी तुम प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते उसके लिए तुम मैच्योर कैसे हो गए? ये तो ऐसी बात है कि बंदा क्या मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाह रहा कि मैं बिजनेस करने के लिए मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस कभी किया ही नहीं है। जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। नाउ दिस इज नॉट लाइक अ बिजनेस बिकॉज शादी बंदे की एक ही दफा होती है, या बहुत किस्मत वाला तो चार दफा हो जाती है, लेकिन नहीं शादी वैसे यूजली आपकी एक ही दफा होती है, तो बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है स्पेशली लड़की के लिए। तो देख के करनी चाहिए ऑब्वियसली कि लड़का आवारा ना हो, उल्टे सीधे काम ना करता हो, लड़की इधर उधर यू नो जा ना रही हो, इधर उधर लड़के के साथ घूम रही हो, ये देखना पड़ता है क्योंकि आगे मैरिज को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ बातें सीख लें मेरे से अगर आप जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ लॉज लड़की से एक्सपेक्ट नहीं आपने करना कि वो घर को संभालेगी, ठीक है सीधी सी बात है, ये इस्लामिकली भी है, लड़के आपने संभालना है, अपनी औरत के आगे आके रोना नहीं है आपने। अब ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल अगेन आए थे, लोग कहते कि नहीं और मेरी पार्टनर है, यार मेरी बात सुनो, यू हैव टू बी द स्ट्रांग वन। वो कहेंगी तुम्हें लड़कियाँ कि नहीं मुझे अपनी सारी बातें शेयर करो, फीलिंग्स डिस्कस करो, नहीं करनी, करनी है, मैं करता हूँ फिजा से अपनी बातें जब मैं सैड होता हूँ, बट उसके आगे रोना नहीं, होपलेसनेस नहीं दिखानी, बिकॉज शी इज लुकिंग अप टू यू, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, औरत आपको लुकअप करती है एज अ पिलर, आप नहीं उसको लुकअप कर सकते, ठीक है, यू हैव टू बी द स्ट्रांग वन, इस तरह रिलेशनशिप थ्राइव करता है। तो ये मैं लड़कों को एडवाइस दूंगा, लड़कियों को मैं एडवाइस ये छोटी सी दूंगा कि यार बी लॉयल टू योर हस्बैंड, ये प्लीज ये बहुत जरूरी है। आपको दूसरे प्रोस्पेक्ट्स अगर कहीं पे नजर आया था जो भी है, यू हैव टू बी लॉयल, उसके लिए थोड़ा खाना बना लिया करो, उसकी खिदमत कर लिया करो, यू नो उसकी चीजों में सपोर्ट किया करो। जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ तो फिदा मुझे यूट्यूब में चीजों में सपोर्ट भी करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे साथ बैठ के भी ये वीडियो कर रही है, कभी कैमरा पकड़ लेगी, मुझे वो शो करा रही है एंथुसियास्टिकली कि वो मेरी छोटी छोटी स्ट्रगल्स में लाइफ की सपोर्ट कर रही है। लाइक मतलब इस तरह का प्यार उस मर्द को दो, जो मर्द ऑब्वियसली आपको पसंद है, उस तरह का प्यार दो कि राइड और डाई। मतलब मैं अब ये जेन्युइनली बात करने लगा हूं कि अगर वो तुम्हारा मियां कहे ना मेरा बैंक लूटना है तो तुम उसके साथ खड़े होकर कौन सा वाला लूटते हैं, इस तरह का होना चाहिए। Obviously, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन कहने का मतलब है राइड और डाई वाला करो ना। मैं कहता हूँ वो मर्द चाहे जो मर्जी कर ले, वो तुम्हारे लिए गोली खा के मर जाएगा, अपनी जान दे देगा तुम्हारे लिए अगर तुम उसके लिए इस तरह करोगे। लेकिन अगेन ड्यू डिलिजेंस भी जरूरी है सही वाला मर्द। तो बस ये दो टिप्स हैं, बाकी एंड अगर मैं कंक्लूजन करूं तो मेरी तरफ से ये होगा कि डू मैरी क्विक अगर तुम्हें लगता है यू आर रेडी, बट डोंट गिव अप इजीली ईदर। ठीक है, अगर आप शादी जल्दी कर भी रहे हो एज ही सेड कि मैच्योरिटी टाइम के साथ ही आप लोगों की आएगी, तो हाँ आप लोग लर्न करोगे ऑन द वे। अब आजकल ये होता है कि लोग कहते हैं नहीं हमारी बन नहीं रही और जल्दी तलाक हो, बस हाँ ये हो रहा है हमारे सर्कल में भी हुआ है, एक साल भी शादी को हुआ नहीं होता, वो कहते हैं नहीं हमारी बन नहीं रही। भाई तुम दोनों ने अभी भी शादी की है, अगर तुम लोग यंग हो साथ ग्रो कर रहे हो ना, उसको समझो, खुद अपना थोड़ा सा आप चेंज करो, मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज। ऊपर से बच्चे कर लेते हैं यार, फिर बच्चों का बच्चा हो जाता है, छोटा बेबी है, अभी डिवोर्स दे दी, कितनी गलत बात है। इमेजिन द होल लाइफ दैट किड हैज टू फेस, इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कभी इस घर में कभी उस घर में कभी इस घर में, अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए किया करो यार। देखो आई मीन अभी मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन कल को मेरा बच्चा आएगा और मेरी और मतलब अल्लाह ना करे हो, लेकिन जितना मर्जी हमारा मसला होगा मैं बच्चे के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैड टू पेरेंट्स, आई हैड बोथ ऑफ माय पेरेंट्स ऑल माय लाइफ टिल माय फादर पास्ड अवे, दैट्स व्हाई आई हैड अ ग्रेट लाइफ। लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चों के नहीं है, एंड ही दे ऑलवेज टेल मी कि यार आई विश मेरे दोनों पेरेंट्स साथ प्यार मोहब्बत से रहते, तो डोंट बी दैट पर्सन। ठीक है, अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट होता भी है, डोंट थिंक इट लाइक नहीं मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, थिंक इट लाइक वी हैव टू विन दिस। एग्जैक्टली, और एक और एडवाइस मैंने जो लर्न की है वो ये है कि जब आपकी अगर लड़ाई बहुत ज्यादा हो भी जाती है ना, तो मैं उस बंदे से बात जाऊंगा एडवाइस लेने जो मुझे कहेगा मैं गलत हूँ, ये उस बंदे के पास जाएगी एडवाइस लेने बंदी के पास जो उसको कहेगा तुम गलत हो, इस तरह रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी फिजा ने एंड में बात की है कि लड़ाई वगैरह ये होंगे मसले। मैं तुम एक बात बताऊँ, शादी में प्यार व्यार ये जो रोमांटिक हॉलीवुड वाला लव होता है ना, ये जरूरी नहीं होता। मैरिज का ट्रू कॉन्सेप्ट पता क्या है,
दैट टू पीपल गेट टुगेदर टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, तो बच्चों के लिए आप शादी कर रहे होते हो आगे. ऑब्वियसली प्यार है जरूरी, लेकिन दैट्स ऑन द फंडामेंटल ऑफ अ मैरिज. तो प्यार के लिए तुमने शादी नहीं तोड़नी, या तो अगर बहुत मार कूट रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस, दैट्स अनदर थिंग. बट ये कि प्यार नहीं, फीलिंग खत्म हो रही है, वो बटरफ्लाई नहीं आ रहा है, भाई बच्चों का क्या बनेगा, यू नो. तो बस मैंने ये कहना था. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हमारा एक चाय का प्लान बन रहा है मेरा और फिजा का, तो हम वहां निकल रहे हैं. तो बस फिर वहां पे जाके चाय पीते और ब्लॉग को एंड करेंगे. हम आगे हर्रास कॉफी हाउस पे, तो यहाँ पे अदनी टी मिलती है, ठीक है. तो फिजा का भी मूड हो रहा था, थोड़ा सा मेरा भी हो रहा था. मैंने कहा कि चलो आके यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आया. अभी लोग आए हैं अंदर, वैसे थोड़ा सा लाइवली माहौल है. हाय, गुड, हाउ आर यू? कैन आई गेट वन अदनी टी प्लीज? बहुत ही गर्म ला के दिए, तो घर में जाके पियेंगे हम, हैं? कह रही है वो बंदा ना राइट पे गाड़ी में बैठा है अपनी, जाने जहाँ से बात कर रहा है उस पे फ्लैश ना पड़ दे. मैंने कहा और मैं हूँ एक जो फिजा के साथ होते हुए भी अपनी जाने जहाँ से बात नहीं कर रहा. इसने सुना नहीं मेरे क्या कहा है, फिजा के साथ होते हुए भी अपनी जाने जहाँ से बात नहीं कर रहा. नहीं सी मजाक कर रहा था यार. अच्छा तू बोलो क्या कहती, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता. तो अच्छा आ रहा है, लग रहा है जैसे उन्होंने अंदर खूब इलायची डाली है, चबा चबा के. वो तुम्हारी एक आंटी की तुम्हें आगे स्टोरी है, फिजा की एक आंटी थी. फैमिली में कहते थे उनकी इलायची वाली चाय बहुत ज्यादा मशहूर है, सारे उठ उठ के आके उनसे चाय बनवाते थे. बाद में किसी ने उनको कहा कि अच्छा दिखाएं तो कैसे बनाते हैं, आप करती इलायची लेके मुंह में लेके चबा के निकाल के उसमें चाय चबा के चुस्की. 7/10 मतलब के वो वाला टेस्ट नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. थोड़ा मीठा, मुझे थोड़ी मीठी चाय पसंद है. अच्छा, I don't like chini at all. नहीं, लेकिन किन की बेहतर थी? इनकी, सिफानी की. सिफानी की बेहतर थी. बहुत सिंगल सिफानी हम आए थे, वो बिल्कुल ही आ गए यहाँ से 3 मिनट दूर ना. उनकी चाय अदनी टी ज्यादा बेहतर है. ये ओके है, नॉट बैड, बट लाइक इतनी स्वादिष्ट नहीं था, मैं समझ जाता. बट कोई नहीं, हम तो शुगर लगाने आए थे. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर बॉय ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही है माशाल्लाह रोज, उधर भी धना धन. और काफी ज्यादा लाइव पे भी आजकल मैं आ रहा हूँ, तो यू नो काफी इन्फॉर्मेशन आपको और काफी फन वहां से भी मिलेगा. तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह.